वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। हरियाणा के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने काफी अच्छा रिस्पांस दिखाया है। गर्मी होने के बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। हम इस वक्त करनाल के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, जो कि प्रेम नगर इलाके में है। और यहाँ पर आप देखिए काफ़ी भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है। लोग वोट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं, ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी अपने घरों से बाहर निकले हैं। चुनाव आयोग का भी यही प्रयास था कि लोग छुट्टी की तरह ना लें और वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें, और लोग आ भी रहे हैं। आप ही बताइए, गर्मी का कुछ असर लग रहा है या वोट डालना आपको लगा ज़्यादा जरूरी है? जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है, वोट तो डालना बहुत ज़रूरी है। वोट देना तो इसी से हमारे को हक मिलता है, सारी चीज़ इसी से है हमारी, तो वोट देना बहुत ज़रूरी है जी। बहुत गर्मी है तो फिर आप, लेकिन वोट डालना भी आपके लिए जरूरी है? हाँ, वोट डालना बहुत ज़रूरी है जी, वोट डालना बहुत ज़रूरी। गर्मी है क्या करें, पर वोट तो डालना ज़रूरी है। तो करनाल के क्या मुद्दे हैं जिनको सोच के आज यहाँ वोट डालने पहुँचे हैं कि वोट डालना ज़्यादा ज़रूरी है? देखो जी, ऐसा क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि जो समस्याएं है वो तो पूरी करनी चाहिए ना। अपनी ड्यूटी आप निभाएंगे, वोट डालेंगे? ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, वोट तो गिरना है। गर्मी के बावजूद भी हाँ, वोट भी तो गिरना है। तो गर्मी के बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि वोट डालना है, अपना अधिकार जो है उसको पूरा करना है। आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं और कतारें लगी हुई हैं। ये आप देखिए मतदान केंद्र है, यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। करनाल की खास बात यह है कि यहाँ पर लोकसभा सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं और साथ ही करनाल विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव भी हो रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, लेकिन पब्लिक ने अच्छा रिस्पांस दिया है। गर्मी होने के बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए लगातार कतारों में लगे हुए हैं। हरियाणा में मतदान को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाएं भी चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रही हैं और लगातार प्रयास कर रही हैं कि लोगों को वोट डालने के दौरान कोई परेशानी ना हो। ये जो बच्चियाँ आप देख रहे हैं, ये जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के स्कूल की छात्राएं हैं, जो कि यहाँ पर आम लोगों की मदद कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि उनका बूथ कहाँ पर है, किस जगह पर जाकर उनको मतदान करना है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और ये सभी वॉलंटियर्स के तौर पे यहाँ काम कर रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ यशिका। यशिका, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप लोग वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं, कैसे पब्लिक की मदद कर रहे हैं कि आराम से वोट डाल पाएं? सर, उन्हें कोई बूथ अपना ढूंढने में दिक्कत ना हो, और कोई बुजुर्ग है तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे जिसे चला नहीं जा रहा तो उनके लिए व्हील चेयर हमने रखी हुई है, तो व्हील चेयर पर ले जाते हैं। तो आप वॉलंटरी ये काम कर रहे हैं, चाहते हैं, दिल से काम कर रहे हैं कि हम मदद करें लोगों की? हाँ जी सर। आप रेड क्रॉस के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी सर, रेड क्रॉस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं हम। तो आपको क्या कहकर यहाँ भेजा गया? सर, हमें तो कुछ नहीं है, हमें मैम से पूछा कि अगर आपको हेल्प करनी है, आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे आइए, वरना हम कुछ नहीं। तो हमने अपनी मर्जी से खुद बच्चे सिलेक्ट हुए थे कि हम मदद करेंगे। हम सुबह यहाँ 6:30 बजे के आ चुके हैं, और हम अपना पूरा जब तक हमारा टाइम है हम तब तक यहीं पर रहेंगे। अच्छा, गर्मी का काफ़ी असर है, आप लोग भी गर्मी में काम कर रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए तैयार थे? आपको पता था गर्मी में काम करना? जी सर, हमें पता था यहाँ गर्मी है, हम फिर भी आए हैं। सभी आए हैं, ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे रेड क्रॉस के, यहाँ पे NCC के स्टूडेंट्स भी हैं कुछ रेड क्रॉस के अलावा। तो NCC और रेड क्रॉस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके स्कूलों में जो पढ़ते हैं रेड क्रॉस के स्कूल्स में, वहाँ के बच्चे भी मदद कर रहे हैं वॉलंटियर्स के तौर पे, बुजुर्गों की और ऐसे लोग जिनको अपना बूट ढूंढने में दिक्कत है उनकी मदद कर रहे हैं। तो कुल मिला के चुनाव आयोग का जो ये एक अच्छी पहल है कि लोग अपने घरों से निकले मतदान करें, उसमें कई संस्थाएं हैं, कई सामाजिक संगठन हैं जो कि मिलकर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके मतदान का प्रतिशत है वो आगे बढ़ना चाहिए। लोग अपने घरों में ना बैठें, बाहर आएं और मतदान करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।